मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ब्लैक लेक को देखते हैं, फिर हम इस फिल्म के तीन मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिनका नाम एडम, ग्रे और जूली होता है। ये तीनों घूमने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडम और ग्रे दोनों हस्बैंड वाइफ है और जूली ग्रे की सिस्टर है। तीनों एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जू में जाते हैं। जू में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर अलग अलग तरह के क्रोकोडाइल्स होते हैं और ये सब लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर रात हो जाती है, एडम, ग्रे और जूली सब एक कैफे में होते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन दोबारा से घूमने की प्लानिंग बनाते हैं। तो एडम कहता है कि यहाँ से थोड़ा सा ही दूर एक ब्लैक वाटर लेक है और वो बहुत सुंदर रिवर है और ये वही लेक है जो हम मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं। फिर अगली सुबह वे रिवर के किनारे तक पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पर लेट पहुँचते हैं क्योंकि जो बोट उन्हें रिवर का टूर कराने वाली थी वे 5 मिनट पहले ही निकल गई होती है। तो अब उन लोगों के पास वापस जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। फिर वहाँ पर उन्हें एक ली नाम का आदमी मिलता है जो उन्हें कहता है कि अगर आपको सिर्फ फिशिंग करनी है तो मैं आपको अपनी बोट पर ले जा सकता हूँ। एडम ओके बोल देता है। अब बोट में जाने से पहले जूली देखती है कि ली अपनी पॉकेट में गन को रख रहा है तो वे काफी हैरान हो जाती है कि गन की क्या जरूरत है, पर वो उससे कुछ पूछ नहीं पाती है। और अब वो तीनों ली के साथ बोट पर बैठकर चल देते हैं। फिर वो रिवर के और अंदर जाने लगते हैं और वे बहुत खूबसूरत रिवर लगती है, वो वहाँ फिशिंग भी करते हैं और फिर वे डिसाइड करते हैं कि वे रिवर में थोड़ा और दूर तक जाएंगे। बोट में ली एडम को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल है इसलिए मैंने अपने साथ पिस्टोल ली हुई है। इस पर एडम कहता है कि कोई बात नहीं है, हम तो सिर्फ एंजॉय करेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। अब वो काफी आगे चले जाते हैं, कोई चीज उनकी बोट से टकराती है और वो बोट से सब नीचे गिर जाते हैं। पानी बहुत ज्यादा गहरा था तो उन लोगों को पानी के ऊपर आने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो वहाँ पर ली नहीं होता है। वहीं ग्रे देखती है कि ली की लाश को कोई बड़ी चीज घसीटकर पानी के अंदर ले जा रही होती है। ली को मरा हुआ देखकर वे सब डर जाते हैं और जूली पानी के अंदर ही रह जाती है, लेकिन एडम और ग्रे एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर एडम जूली को बोट के ऊपर चढ़ने के लिए कहता है और जूली बिल्कुल ऐसा ही करती है। वहाँ पानी के आसपास क्रोकोडाइल घूमने लगते हैं तो अब वहाँ पर एडम को एक रस्सी दिखाई देती है जो जूली के पास में ही होती है। तो एडम जूली को कहता है कि तुम रस्सी को मेरी तरफ फेंको और फिर मैं बोट को खींचने की कोशिश करूंगा। और फिर एडम बहुत ट्राई करता है पर वे नहीं खींच पाता है। कोशिश के बाद भी बोट हिलती तक नहीं है क्योंकि वह पत्थर से अटकी हुई होती है, लेकिन फिर जूली लास्ट कोशिश करती है और रस्सी पकड़कर उनकी तरफ जाने लगती है और उनके पास पहुंच जाती है। अब वो तीनों पेड़ पर सहमे हुए बैठे होते हैं और किसी की मदद आने का इंतजार करते हैं, पर एडम कहता है कि हमें तो किसी ने यहाँ आते हुए नहीं देखा है तो कोई भी मदद के लिए शायद नहीं आएगा। अब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि या तो उन्हें बोट को सीधा करना पड़ेगा या फिर उन्हें पेड़ों के ऊपर से ही यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि दोनों तरफ ही बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ग्रे अकेले ही पेड़ों के ऊपर चलने लगती है लेकिन लास्ट में देखती है कि आगे सिर्फ पानी ही पानी है। ग्रे फिर देखती है कि पानी में वहाँ कुछ हलचल हो रही होती है। ग्रे जैसे ही वहाँ से पत्ते हटाती है तो वहाँ एक इंसान का कान देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस एडम जूली के पास आ जाती है। फिर एडम डिसाइड करता है कि वो बोट के पास जाएगा और बोट को सीधा करेगा। वो धीरे से पेड़ से नीचे उतरने लगता है, बोट तक पहुँच आता है। वो बोट को सीधा करने की कोशिश करता है लेकिन बोट बहुत ज्यादा भारी होती है। फिर वो बोट के अंदर नीचे से जाता है तो उसके पैरों से कोई चीज टकराती है और फिर जूली, ग्रे बाहर देखते हैं कि बोट बहुत ज्यादा हिलने लगती है। और फिर जब बोट सीधा होती है तो उसमें एडम नहीं होता है। फिर कुछ ही पल में एडम ऊपर आ जाता है पर अचानक से एक क्रोकोडाइल एडम पर हमला कर देता है। सब देखकर ग्रे और जूली बहुत रोते तड़पते हैं, वो चिल्लाते हैं, पर वे देखते हैं कि क्रोकोडाइल एडम की डेड बॉडी को लेकर ऊपर आ जाता है और फिर वापस पानी की गहराई में चला जाता है। एडम को देखकर दोनों बहुत सहम जाती है। फिर कुछ देर बाद जूली कहती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम भी मर जाएंगे। ग्रे उसे कहती है कि अगर हम बोट तक पहुँच गए तो हम नहीं मरेंगे। फिर रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन सफलता नहीं मिलती है। फिर वो देखते हैं कि सामने फिर से पानी में बुलबुले दिखाई देते हैं। तभी हम क्रोकोडाइल को देखते हैं, वे ऊपर छलांग लगाकर ग्रे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर जूली ग्रे का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है, वो बच जाती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी दूर उनको एडम की लाश भी दिखाई देती है जिसे देखकर वे दोनों बहुत दुखी हो जाती हैं। ऐसे ही अब रात हो जाती है, वहाँ पर बारिश भी आ जाती है और बिजली भी बहुत कड़कने लगती है और फिर वहाँ पानी में बहुत सारे क्रोकोडाइल आ जाते हैं। वे ली और एडम की लाश को लोच लोच कर खाने लगते हैं। बेचारी जूली और ग्रे ये सब अपनी आंखों से शांत बैठे देख रहे होते हैं। अब जैसे तैसे रात गुजर जाती है। सुबह जूली और ग्रे देखते हैं कि बोट उनसे
बहुत दूर जा चुकी होती है। वो सोचते हैं कि अगर हम पानी के रास्ते जाएंगे तो क्रोकोडाइल उन्हें खा जाएंगे। अब वो बड़ी होशियारी से पेड़ के ऊपर चलने लगते हैं। फिर आगे जाकर पेड़ भी खत्म हो जाते हैं। अब उन्हें ऊपर वाले का नाम लेकर पानी में ही उतरना पड़ता है और कुछ देर तक सब ठीक रहता है, लेकिन अचानक से पानी में उनके सामने क्रोकोडाइल आ जाता है। जूली ग्रे दोनों शांत खड़ी हो जाती है तो क्रोकोडाइल वापस चला जाता है। फिर वे भागकर किसी पेड़ पर चढ़ने का सोचते हैं और उनके सामने फिर से वही क्रोकोडाइल आ जाता है और इस बार वे ग्रे को पकड़ लेता है। अपनी बहन को मरता देख जूली बहुत जोर से चिल्लाती है और तभी क्रोकोडाइल उसे छोड़ देता है। अब जूली ग्रे को लेकर पेड़ पर चढ़ जाती है। जूली देखती है कि ग्रे की टांग बहुत ज्यादा जख्मी हो गई है, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो फिर शायद वे मर जाएगी। तभी वहाँ पर उन्हें दूसरी बोट की आवाज आती है। ग्रे जूली को कहती है कि तुम जल्दी से दूसरी बोट को मदद के लिए बुलाओ, लेकिन अफसोस जूली बोट तक नहीं पहुंच पाती है। फिर जूली देखती है कि ग्रे की टांग थोड़ी नीचे लटकी हुई है, उसमें से खून चल रहा है और पानी में वापस से बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। तो जूली ग्रे को आवाज मारकर कहती है कि जल्दी से अपना पैर ऊपर कर लो, लेकिन ग्रे बेहोश होती है तो उसे कुछ पता नहीं चलता है। फिर जूली जैसे तैसे उसके पास दोबारे से पहुंचती है और उसका पैर ऊपर कर देती है। जूली फिर से एक बार पानी में उतरकर कोशिश करती है बोट तक जाने की और वो फाइनली बोट तक पहुंच जाती है। बोट के अंदर से पानी निकालती है और बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं हो रही होती है। पानी में फिर से हलचल महसूस होती है और तभी क्रोकोडाइल बोट के ऊपर आ जाता है और अब जूली डर के मारे पानी में नीचे गिर जाती है। फिर वो पेड़ की तरफ भागने लगती है, लेकिन क्रोकोडाइल जूली को पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद जब जूली की आंख खुलती है वो एक किनारे पर होती है, वहां पर वो ली की आधी कटी हुई लाश को भी देखती है। हम देखते हैं कि जूली की एक उंगली भी टूट चुकी होती है, पर वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारती है। फिर उसे याद आ जाता है कि ली ने अपनी पॉकेट में एक गन को रखा हुआ था, तो वो तभी उसकी पॉकेट चेक करती है और उसे वो गन मिल जाती है। जूली क्रोकोडाइल को वहाँ बुलाने की कोशिश करती है कि वो उसे शूट कर सके, लेकिन क्रोकोडाइल का कुछ अता पता नहीं चलता है। वो ली का कटा हुआ हाथ उठा लेती है और पानी में उससे हलचल करने लगती है ताकि क्रोकोडाइल उसके पास आ जाए। पर फिर हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल जूली के पीछे से आ जाता है और जूली पर हमला कर देता है। जूली पानी में भागने लगती है और क्रोकोडाइल भी ठीक उसके पीछे ही होता है और क्रोकोडाइल जूली को पकड़ लेता है, उसे पानी के नीचे ले जाता है और फिर हम गोली की आवाज सुनते हैं। हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल और जूली वापस पानी के बाहर आ जाते हैं। वहां से हमें पता चलता है कि जूली ने क्रोकोडाइल पर गोली चला दी थी और क्रोकोडाइल मर गया है। क्रोकोडाइल के मरने के बाद जूली बोट तक जाती है और बोट को अपनी बहन के पास लेकर आ जाती है और वे देखती है कि ग्रे खून बहने की वजह से मर चुकी है। जूली ग्रे को पकड़कर बहुत रोने लगती है और फिर वे उसकी लाश को लेकर खुद ही नाव को चलाकर रिवर से बाहर जाने लगती है और यही मूवी का लास्ट सीन होता है।